मैं हूं निकी वालिया उर्फ लैला रायचंद और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज। एक गाना मेरे दिल में आ रहा है काफी समय से, ओए निकी निकी ओए ओ निकी निकी। अब ये सोच रहे होंगे ये गाना क्यों गा रहा हूँ, अरे भाई क्यों ना गाऊँ। काफी समय बाद विदेश से हमारे देश लौटी हमारी निक्की वालिया जी और आज नागपुर आई है। हमारे उनके टीवी शो आ रहा है एक स्टार प्लस पर जिसका नाम है दिल समझ जा जरा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम है आपका नागपुर में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं अभी तक मैंने शहर नहीं देखा, मैं तो सिर्फ आप लोगों से मिली और इतना अच्छा लग रहा है, तो बाकी शहर तो इतना सुंदर होगा। हमसे ही जज कर ले, क्या बात हाँ, है। ऑफ कोर्स लोगों से ही जज होता है ना, पूरी आपकी एनवायरनमेंट कैसी होगी तो नॉलेज भी बोलता है। एक बात है, आपने काफी समय से काम किया हुआ है तो उतने लोगों से आप हमेशा मिलते तो आप जल्दी पहचान लेते हैं। वाइब इंसान की अच्छी होनी चाहिए ना। जी जी जी, क्या बात है। तो वाइब है, नागपुर की वाइब अच्छी है इसलिए अच्छे लोग हैं, सिंपल। बापरे आज तो मैं खुश हो गया, आज बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं सभी लोगों ने। सो अभी एक चीज कि ये जो किरदार है आपका, ये कैसा किरदार है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है, बहुत डिफिकल्ट किरदार है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ हर सीन में। लैला रायचंद का किरदार प्ले कर रही हूँ जो मदर हैं आना रायचंद की और सलोनी रायचंद की। एक बिजनेस लेडी हैं, सोशलाइट हैं, बहुत ही डिटर्मिंड औरत है। अगर वो ठान लेती हैं तो उन्हें कोई भी बात से वो पीछे नहीं मुड़ती हैं। चीज़ें अगर उनके मुताबिक नहीं होती हैं तो वो कर लेती हैं, छीन लेती हैं। ऐसी हैं, कभी गिव अप नहीं करती किसी किसी लाइफ की किसी सिचुएशन में। उन्होंने गिव अप वर्ड नहीं समझा। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है इस कैरेक्टर की कि ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि लैला लैला जो करती है सही है, उसके दिल में सही है तो लोगों को भी सही लगना चाहिए। और एक और चीज़ है खास बात इस कैरेक्टर की है कि वो सही गलत कौन कौन डिसाइड करता है। जो आपके लिए सही है मेरे लिए गलत हो सकता है, हाँ। जो मेरे लिए गलत है आपके लिए सही हो सकता है। तो ये वो इसी फंडा से वर्क करती है और कहती है आप लोग मुझे जज क्यों कर रहे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, मैंने अपने हस्बैंड का स्टेटस मेरे नाम पर है, मेरी ज़िंदगी ऐसे चलेगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे होने वाली है, ये डिसाइड करने वाली कौन है? मैं। तो कोई और मुझे जज करे या कहे कि ये आप जो कर रही हैं ठीक नहीं है, आप कौन होती हो? लैला के लिए बहुत सिंपल है, उसने सोच लिया, उसने ठान लिया, उसने कर लिया। तो ये कैरेक्टर ये भी है और दूसरी तरफ वो इतनी अंदर से लोगों के साथ जूझ जूझ के अंदर से खोखली हो गई, लेकिन वो दिखाएगी नहीं क्योंकि वो कभी वीकनेस अपनी किसी के आगे दिखाती नहीं। ये दिखाना कि एक इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, अगर आप एपिसोड देखेंगे और मेरी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, लेकिन अंदर जो मेरी कश्मकश चल रही है वो भी नज़र आना, तो मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे एक सवाल ये भी कर लूँ कि इतने दिनों के बाद यानी काफ़ी सालों के बाद आप फिर से आ रहे हैं, तो आपने तैयारी तो फिर जोरों से की, बहुत जोरों से की है और इसका मैं श्रेय पूरा दूंगी। आप देख लीजिए, आपको पसंद आएगा, आई एम श्योर पसंद आएगा। गोल्डी सर और विक्रम सर एंड मेरे जो डायरेक्टर हैं अभिजीत दास, हम तीनों ने मिलकर, हम चारों ने मिलकर इतनी मेहनत की है और इतनी बारीकी से लैला के इनसिक्योरिटी से लेके स्ट्रेंथ से लेके वीकनेसेस से लेके सब कुछ एक सीन में हम पिरोते हैं। क्योंकि लैला एक सीन में कभी पगला जाती है, कभी खुश हो जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है और वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, आपके साथ नहीं करूँ। बच गया। मुझे एक बात बताइए, जैसा आपने जो किरदार बताया तो एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन करके रहती है महिलाएं, उस तरीके से वो वाला किरदार नजर आया इस सीरियल में, बाकी सीरियल जैसी वो रहता है ना हमेशा रिएक्शन 10 बार फ्रेम घूमेगा, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर से नहीं 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 अच्छा था मैं वो मुझे देखकर ही कोफ्त होती है। और मैंने ये सिद्धार्थ सेन गुप्ता का शो साइन किया तो मुझे पता ही था कि ये सब नहीं होने वाला है। बालिका बधू के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, रियलिटी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्यों कोई ऐसा कम स्टैंडर्ड का शो करूं या कुछ करूं, जब मैंने अपना इतनी मेहनत से रिस्पेक्ट बनाई है डॉक्टर सिमरन, एक ऐसा कैरेक्टर लोगों की याद में छोड़ गई हूं, तो उससे यहां तो मैं बराबरी का करूं या उससे हटकर, बराबरी का मुझे काम मिल नहीं रहा था तो उससे हटकर आ गई। इसीलिए ये थोड़ा सा हटके था, इसीलिए लंदन से इंडिया आ पाया। जी हटके झटके दूंगी इसमें, देखना संभल के रहना। दिल समझ जा जरा शो का नाम है, समझा आप लोगों को? दिल समझ जा जरा शो का नाम है भैया, समझ जाओ। वैसे भी जैसा
जैसा इन्होंने कहा कि इनके कैरेक्टर में खोखला सा है पर वो जो दिखाते हैं है, जो तो दिखता है वो होता नहीं, वो उस जब आप बता रहे थे ना तो मेरे दिमाग में नाना पाटेकर जी का एक डायलॉग याद आ गया था जो मैं हमेशा कभी कभी बोलता हूँ मेरे शोज में, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, किधर है मुझे नहीं पता है। ऐसा ही कुछ है। ये अच्छा था, इंटरव्यू के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो रही है मेरी। अरे क्या बात है, चलो खुश हो गए भैया, भगवान के दिया मेरे पास अच्छा अच्छा लगता है जब कोई भी अच्छा हंसता है, हंसते रहो हंसाते रहो। अब ये इंटरटेन करने आ रहे हैं स्टार प्लस पर, कब से कब आ रहा है शो? मंडे टू फ्राइडे स्टार प्लस पर हर रात को 10:30 बजे। तो बाकी के जितने काम है उसके पहले पहले निपटा लिया करो, बस बिल्कुल से बैठ के देख लिया करो। कैरेक्टर काफी साल बाद फिर से आ रहा है भाई, देखने में बड़ा मजा आएगा, मैं तो देखने वाला हूँ, मम्मी को बोलूंगा आप भी बैठ के देखो, आप भी अपने घर में सभी बाल बच्चों को लेके बैठो, बहुत अच्छा है और सीखने काफी सारा मिलने वाला है। हाँ थोड़ा हटके ही सीखने मिलने वाला है, सीख लो भैया जो जो भी मिल रहा है सीख लो। तो मैं अभी के लिए लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूंगा कई नए चेहरे के साथ, कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ। ओए तब तक के लिए जय हो।